लाहौर पुलिस ने जिन्ना हाउस में जलाओ घेराव और तोड़फोड़ के इल्जाम में पीटीआई के साबिक रुकन पंजाब असेंबली फरहत फारूक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि फरहत फारूक को जलाओ घेराव के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। फरहत फारूक जियो फेंसिंग की सीरियल नंबर 70 की मुलजिमा है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद, अपडेट कीजिएगा। जी, जिना हाउस में जलाओ घराव और तोड़फोड़ के इल्जाम में दो मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक सबका रुकन पंजाब असेंबली फरहत फारूक शामिल है और फरहत फारूक के साथ एक ऐसे मुलजम को भी गिरफ्तार किया है जिसने कोर कमांडर की जो वर्दी पहनने वाला जो मुलजिम था उसके साथ इसने सेल्फी बनाई थी। और इस मुलजिम का नाम जो है ये अवैस बताया गया है, ये उकाड़े का रिहायशी है और इसको गाजियाबाद लाहौर से गिरफ्तार किया गया है। ये जो मुलजिम था अवैस मुश्ताक, इसको जियो फेंसिंग की मदद से गिरफ्तार किया गया है, जो सीरियल नंबर 27 का मुलजिम है। जबकि ये जो खातून एमपी है फरहत फारूक, ये जियो फेंसिंग की सीरियल नंबर 70 की मुलजमा है। इन दोनों मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है और जबकि इन दोनों से तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है और इनको जो फरहत फारूक है उनको थाना लीडर रोड में बंद कर दिया गया है, जबकि जो मुलजिम है उसे सीटीटी के हवाले कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया अहमद फराज़ हमें अपडेट करने के लिए।